हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए डीएलएड एंट्रेंस प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसकी पहली क्लास है हमारी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको थोड़े थोड़े करके देते रहूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है बेसिकली, आप अगर देखेंगे, आपने अगर आज तक देखा है, पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, तो आपको क्या लगेगा कि सारे आंसर सही हैं, सारे जवाब सही हैं, तो वो आपको सबसे बेस्ट उसमें से चुनना होता है, जो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं देखना होता, आपको बच्चों के हिसाब से देखना होता है और एग्जामिनर ने क्या सोच करके उस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा, ये सब चीज़ें हमें सोचना और देखना होता है। और ये चीज़ें, ये सोच आपका कैसे डेवलप होता है, जब आप बार बार क्वेश्चन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं चाहता था आपको मैं PDF दे देता, कहीं पर क्वेश्चन दे देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको आपके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ आपके सामने, ताकि आपके जहन में चीज़ बैठ जाए। और जो सवाल आएंगे वहाँ, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, होपफुली बहुत सारे क्वेश्चन यही आ जाएं, लेकिन आपको एक अगर समझ डेवलप होगा ना, तो आप हर तरह के क्वेश्चन को इजीली एग्ज़ाम में टैकल कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज आपसे मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 20 क्वेश्चन टोटल हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ताकि आपका और ज़्यादा से ज़्यादा समझ डेवलप हो। चलिए शुरू करते हैं, आज हमारी पहली क्लास है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि GK की भी क्लास ले लूँ आपकी। करंट अफेयर के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करूँगा, उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, सब कुछ हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। उर्दू और हिंदी वाले के लिए हिंदी क्लास भी मैं सोच रहा हूँ कि अरेंज कर दूँ। बाकी ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, अगर आप पढ़ना जानते हैं या फिर आप अगर सुन लेंगे ना, आप अगर रीडिंग नहीं जानते हैं उर्दू में, आप अगर सुन भी लेंगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चन सेम ही होंगे वहाँ। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में कोई फ़र्क नहीं है कि हिंदी मीडियम में कुछ, उर्दू मीडियम में कुछ, फ़र्क बस ये है कि मीडियम का फ़र्क होता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा, जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो सेम होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी बदनज़मी पैदा करती है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देंगे, तो क्या इससे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। बदनज़मी का मतलब होता है मिसमैनेजमेंट, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली बात है, आप जब ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देंगे, आप क्लासरूम में देखें, घर पे देखें, जिन बच्चों को आप देखते हैं ना कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल गई होती है, तो वो बहुत कम चांस होते हैं कि वो अच्छे होते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी तरह से आप अपने क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी नहीं देंगे। हाँ, बच्चों को आज़ादी देना है, हम लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फॉलो करना है, यानी कि बच्चों के मुताबिक करना, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं कि वो कुछ भी करें। बच्चों को आज़ादी इतनी दे के वो डिसिप्लिन में रह सके, इतनी आज़ादी दे के वो पढ़ सके, वो आपकी इज्जत कर सके, वो क्लास के नज़्म व ज़ब्त यानी कि मैनेजमेंट को एक बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर बच्चों को ज़्यादा हम आज़ादी दे देंगे, तो क्लास में मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, बदनज़मी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जवाब में क्या है, यहाँ मुत्तफिक है, ऐसा भी हो सकता था कि पूरी तरह से मुत्तफिक, ऐसा भी कई बार होगा कि पूरी तरह से मुत्तफिक, तो आपको इसी में टिक करना है, आप मुत्तफिक हैं यानी कि पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। दूसरा आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है इसका, कुछ हद तक मुत्तफिक नहीं है आप, कुछ हद तक मुत्तफिक नहीं है आप, पूरी तरह से मुत्तफिक हैं, ठीक है। कुछ हद तक गैर मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक तो आप हैं ही नहीं, और गैर मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक मतलब डिसएग्रीड, ठीक है ना। मुत्तफिक का मतलब होता है एग्रीड, तो हाँ, आप इस बात से स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि क्लासरूम में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देंगे, तो यहाँ बदनज़मी होगा, मिसमैनेजमेंट होगा। और मैं क्वेश्चन में टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन आपका समझ जब डेवलप होगा ना, तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे एंट्रेंस और इजीली वहाँ के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं, अपनी क्लास में तालीमी तौर पर पिछड़े हुए स्टूडेंट या पिछड़े हुए बच्चों से के साथ आप क्या रवैया करेंगे, या आपका क्या रवैया होगा। देखिए, तालीमी तौर पर पिछड़े हुए जो स्टूडेंट होंगे ना, उसके लिए हमें रीजंस को जानने की ज़रूरत है। हम होता क्या है, हम एज अ टीचर जो आज तक आपने जो किया है, या फिर हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी बच्चे को अगर तालीमी तौर से पिछड़ा का मतलब उसको चीज़ें नहीं आती होगी, कैलकुलेशन नहीं आता है, कुछ पढ़ना नहीं आता, रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, तो हमें उसकी हमें ज़रूरत पता करना चाहिए हमें कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बच्चों का बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड, या फिर उसमें घर के कोई इशूज़ हो सकते हैं, वायलेंसेस हो सकते हैं, क्या फिर किसी पेरेंट का डेथ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत होती है। हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको निचली क्लास में भेज देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे कि भाई कोई क्लास 8 साल का बच्चा है, वो क्लास 4th में आया हुआ है, उसको कमज़ोर है पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 2nd या 3rd में एडमिशन कर देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। बल्कि जो नई नई एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हुई है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों को एज के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से ही आप
उसको एडमिशन देंगे। अगर कोई बच्चा 10 साल का आता है तो आप ये कोशिश करेंगे कि इसको 5th-6th में हम एडमिशन दें, ऐसा नहीं कि इसको आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन देंगे। अगर ये बच्चा अब तक कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप उसके एज के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से उस क्लास में उसको एडमिशन देंगे, न कि आपको उसको फर्स्ट सेकंड में देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में पिछड़ा हुआ है, वो कम जानता है, मतलब तालीमी तौर पर पिछड़ा हुआ है, तो आप इसको निचली क्लास में भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको स्कूल से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। स्कूल से तो आपको निकालना ही नहीं है, इस मसले का तदरीसी हल निकालेंगे, इसको तालीमी तौर पर पेशरफ्त करने को कहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे, इस मसले का तदरीसी हल निकालेंगे, यानी कि टीचिंग जो आपका हल होता है ना, जो आपका टीचिंग सॉल्यूशन होता है, वो टीचिंग सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस बच्चे को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को मैं कैसे सिखा सकती हूँ या सिखा सकता हूँ, मतलब इस बच्चे को मैं कैसे पढ़ाऊँ कि ये बच्चा ये चीज़ को सीख जाए। ना कि आप इस बच्चे को कहेंगे नहीं आप तो छोटी क्लास में एडमिशन ले लो या आप स्कूल छोड़ दो, ये सब आप नहीं करेंगे। आप मसले को जानने की कोशिश करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, रीज़न को आप जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसको उसके लेवल पे आके आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे। यही होता है टीचिंग, वरना टीचिंग कोई भी कर ले। यही रीज़न है, यही सारी चीज़ें हैं जिसको सीखने के लिए आप टीचिंग कोर्स करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कि मुदर्रिस को क्लास से भागने वाले बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुदर्रिस मतलब टीचर होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो टीचर को, जो क्लास से जो बच्चे भाग जाते हैं ना, उसके साथ हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए, आप इस बात से कहाँ तक मुत्तफिक हैं? तो हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, हम मुत्तफिक हैं, यानी पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। जो बच्चा क्लास से भाग जाता है, आप उसके साथ हमदर्दी थोड़ी करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों भाग रहा है, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो आप अपने दोस्त यार, मतलब जो और टीचर्स हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, अपने प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमदर्दी नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारा 4th क्वेश्चन है, क्लास में हौसला अफजाई के लिए किस तरह के रहनुमाई यानी लीडरशिप की ज़रूरत है? अगर आप बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, बच्चों को इनक्रेज करना चाहते हैं सीखने, तो आप उस केस में क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, हमदर्दाना ताल्लुक रखेंगे बच्चों से, हमदर्दी पैदा करेंगे, जमहूरियत पसंद करेंगे, इख्तदार पसंद करेंगे? देखिए, ऑप्शंस पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लास में बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए अपनी मर्ज़ी तो कभी नहीं चलाएंगे। टीचर की मर्ज़ी अब नहीं चलती है, पहले था टीचर सेंटर्ड अप्रोच, अब टीचर की मर्ज़ी नहीं चलती है। आपकी जो मर्ज़ी है वो आप क्लासरूम में नहीं करेंगे, आप हमदर्दाना ताल्लुक करेंगे, ये ठीक है। जमहूरियत पसंद भी नहीं करेंगे, मतलब कि इंडिपेंडेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो करेंगे, इख्तदार पसंद करेंगे, ऑटोक्रेसी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, बच्चों से हमदर्दाना ताल्लुक रखेंगे। जब बच्चों से आप हमदर्दी रखेंगे ना, हमदर्दाना ताल्लुक रखेंगे ना, वो आपको पसंद करने लगेंगे। जब वो टीचर को पसंद करने लगेंगे, जब आप टीचर को पसंद करने लगेंगे बच्चे, तो आपके सब्जेक्ट को पसंद करने लगेंगे, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। तो आपको हमदर्दाना ताल्लुक रखना, बच्चों को के साथ हमदर्दी से पेश आना है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि अगर आप खुद क्लास में देर से आएँ तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप टीचर हैं और आप क्लास में लेट जाते हैं, आप क्या करेंगे? पहला है कि तालिबे इल्म से माफ़ी मांगेंगे, इस मौजू यानी इस जो टॉपिक है इस पर डिस्कस ही नहीं करेंगे कुछ, देर से आने की वजह बताएंगे, अगले पीरियड से इसकी तलाफी करेंगे। सब मैं पहले ऑप्शन समझा दूं, आप बच्चों से माफ़ी मांग लेंगे कि सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा लेट हो गया या हो गई, बस ठीक है कुछ रीजंस की वजह से। इस मौजू पर आप बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि हाँ भाई आप लेट हुए तो आप बात ही नहीं करोगे और बच्चे लेट हुए तो उसकी पिटाई कर दो। पिटाई तो खैर करनी नहीं है, लेकिन उस पर सख्ती करते हैं। देर से आने की वजह बताएंगे, ज़रूरत नहीं है बच्चों को इतनी वजह बताने की। अगले पीरियड से इसकी तलाफी करेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पीरियड में मैं अगर लेट हो गई या लेट हो गया तो सेकंड पीरियड का टाइम हम भी खा जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बस बच्चों से माफ़ी मांग लेनी है कि सॉरी बच्चों, मैं ज़रा लेट हो गया या लेट हो गई कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, क्लास के जहीन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, क्लास के जहीन बच्चों से दीगर बच्चों के मुकाबले में। देखिए, जो बच्चे जहीन होते हैं ना आपके क्लास में, उसके साथ ये बात आप जान लो, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही लठी से सबको हाँक लेंगे, एक डंडी से, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे जहीन है ना, आपको उसके लेवल की चीज़ें बतानी होगी। जो बच्चे वीक हैं, आपको उसके लेवल की चीज़ें बतानी होगी। इसी को कहते हैं हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट। जो बच्चा अगर जहीन है ना, उसको क्या करेंगे आप, ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, मतलब ये ऑप्शंस हैं। दूसरा है कि कम होमवर्क देना चाहिए। तीसरा, यकसा होमवर्क देना चाहिए, मतलब कि इक्वल एक तरह के होमवर्क देना चाहिए। चौथा, मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। हाँ, तो जो बच्चे अगर आपके जहीन हैं, तेज़ बच्चे हैं, उसको यहाँ पे जवाब नंबर 4th हो जाएगा, उसको आप थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क देंगे। भाई, वो ईजी होमवर्क देंगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं पैदा करेगा ना। आप थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क देंगे, थोड़ा टफ होमवर्क देंगे, ताकि वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, उसको सीखने की ललक होगी, उसको सीखने की इच्छा होगी, और उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी होगा। तो अब क्या करेंगे, जो बच्चा अगर बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसको उसके लेवल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क देंगे। जो बच्चा वीक है, अब सपोज़ करो आपकी क्लास में 2-3 बच्चे हैं, किसी का एडिशन यानी कि जोड़ भी अच्छे से नहीं आता उसको, तो आप उसको वो सिखाएंगे,
अब ऐसा थोड़ी कि सारे बच्चों को वही पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है कि बच्चों के लेवल पे जाके आपको पढ़ाना होता है, ये असल में आपका जांचना चाह रहा है। सेवन नंबर में हमारा है कि तालिबे इल्मों में तालीम के लिए तरगीब देने वाला तरगीब देने और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम है। हाँ, अब तालिब इल्म में ना तालीम के लिए लगाव पैदा करना है और उसको तालीम के लिए तरगीब देने के लिए सबसे अहम क्या हो सकता है कि उसको इम्तिहानात की तारीख बता दी जाए या उससे पूछ कर किया जाए। ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि अच्छा बच्चों आपका ना एग्ज़ाम होने वाला है तो आप बताओ आप कब एग्ज़ाम दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि बच्चों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, दूसरी बात कि हर बच्चे अपने अपने हिसाब से बताएंगे तो ये तो हम करेंगे नहीं। दूसरा क्या करेंगे, तालिबे इल्मों की ज़रूरत के हिसाब, ये साहिब नहीं हिसाब है, तालिबे इल्मों की ज़रूरत के हिसाब से तालीमी इंतज़ाम, ये भी नहीं करेंगे भाई कि उसके ज़रूरत के हिसाब से तालीमी इंतज़ाम सिर्फ नहीं करेंगे ना, इससे लगाव पैदा थोड़ी होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसका ऑप्शन, तालिबे इल्मों को होमवर्क देना और तालिबे इल्मों की ख्वाहिश के मुताबिक फहरिस्त और अवकात मुकर्रर करना, यानी कि जो उनकी मर्ज़ी है उसके हिसाब से, फहरिस्त मतलब होता है सबक या जो टॉपिक है और अवकात मतलब वक्त होता है। ये आप नहीं करेंगे, आप थर्ड वाला करेंगे, तालिबे इल्मों को होमवर्क देंगे। आप जब उनको होमवर्क देंगे, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड होमवर्क देंगे, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें देंगे, तो उनका अपने आप लगाव पैदा होगा, उनको तालीम की तरगीब मिलेगी कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमें देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, तालिबे इल्मों की तख्लीकी गौर व फिक्र के नशोनुमा के लिए मुदर्रिस को चाहिए कि वो क्लास में, अब ये समझते हैं पहले कि भाई तख्लीकी गौर व फिक्र क्या है। तख्लीकी गौर व फिक्र का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, जो बच्चा क्रिएटिव थिंकर होता है, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है ना, तख्लीकी गौर व फिक्र, ये KING क्रिएटिव थिंकिंग होता है। और मुदर्रिस का मतलब आपको मैंने बताया था टीचर, यानी कि तालिबे इल्म जो है ना आपके स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थिंकिंग और नशोनुमा मतलब डेवलपमेंट होता है। क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आप उसके साथ क्या करेंगे, यानी बच्चों के साथ आप क्या करेंगे, बहुत खुलेपन का माहौल कायम करेंगे, बहुत ज़्यादा खुलेपन का माहौल कायम करेंगे, इससे तो भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगी। तालिबे इल्मों को पूरी तरह से नज़्म व ज़ब्त में रखेंगे, नहीं ये तो करना ही नहीं है। पूरी तरह से नज़्म व ज़ब्त का मतलब है कि पूरी तरह से रूल एंड रेगुलेशन अबाइंड रखेंगे कि जो मैं कहूँ वही करो, जो टीचर कह रहा है वही करो, गुलामों के तरह उसको फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे पास एक बीच का नज़्म व ज़ब्त होता है, यानी कि बिल्कुल टाइट नहीं रखना है। इन्हें रिवायतों से बांधे रखेंगे या ना हटने देंगे, रिवायत का मतलब जो क्लास के रूल रेगुलेशन उससे हटना नहीं है तुम्हें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, हर बच्चे को उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल रखना होता है हमें चीज़ें। फोर्थ है कि इनको कदम कदम पर रहनुमाई करेंगे, यही हम करेंगे। अगर किसी बच्चे के अंदर उसको हमें अगर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको हर कदम पर रहनुमाई करेंगे, हर कदम का। देखो आजकल क्या होता है ना, टीचिंग या टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर, होपफुली आप समझ रहे हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, मतलब कि टीचर का काम ये नहीं कि आपको हुक्म जमाना है बच्चों पे, आपको फैसिलिटेट करना है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे आपको फोकस करना है, बच्चा खुद करेंगे, खुद सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, आपको बस क्या करना है, बच्चों की रहनुमाई करना है, बच्चों को गाइड करना है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बिल्कुल मतलब कि हर चीज़ आप खुद अपने हुक्म जमाएंगे, ऐसा नहीं करना है, यानी हर कदम पर उसकी रहनुमाई करेंगे, हर कदम पर उसको गाइडेंस देंगे, तब वो बच्चा कर पाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट डे से फिर ज़्यादा बढ़ा देंगे, आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है स्कूल के क़याम से समाज में, अब स्कूल के क़याम से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल जब इस्टेब्लिश होता है तो समाज में क्या होता है, आपस में झगड़े बढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपके गांव में अगर एक स्कूल बन गया तो क्या होगा, आपस में झगड़े बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई रिलेशन ही नहीं है। इख्तलाफात को बढ़ावा मिलता है, इख्तलाफ मतलब वही होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि एक दूसरे से मतभेद, ये भी नहीं होगा भाई कि मतलब कि एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगी क्या, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना स्कूल बनने से। तीसरा क्या हो जाएगा, इक्तसादी तरक्की का राह हमवार होना, इक्तसादी तरक्की होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि भाई जब आप पढ़ते लिखते हैं आप फिर उस तालीम की वजह से उसको यूज़ करके आप कमाने के जाने लगते हैं, आपका दिमागी डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ करें कि इक्तसादी तरक्की से का राह हमवार होता है। और लास्ट क्या है हमारा, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है, तहफ़्फ़ुज़ मतलब प्रोटेक्शन, यानी कि फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं आता, तो क्या होता है इक्तसादी तरक्की का राह हमवार होता है, यानी कि बच्चा पढ़ता लिखता है फिर आगे वो कमाने के जाने का सोचता है, यानी कि रोज़ी रोटी के बारे में सोचता है, तो इक्तसादी तरक्की का राह हमवार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट वन फॉर टुडे, आज हम लोग ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल या फिर अभी थोड़ी देर में मैं एक और सेशन डाल दूंगा किसी एक और सब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए, मिंदरजा जेल में से कौन सा नयामुल बदल सामाजिक बुराइयों को कम करने का सबसे ज़्यादा पुर असर जरिया है। नयामुल बदल का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं आप, यानी क्या चीज़ ऐसे रखेंगे कि समाज में बुराइयाँ कम से कम होगी, यानी समाज में बुराइयों को कम करने का के लिए सबसे ज़्यादा अहम इन चारों में से कौन सा है। पहला क्या है भाई, पुर असर कानून जवाबित, यानी कि आपको बिल्कुल पुर असर यानी असरदार कानून बनाना है आपको। देखिए कानून तो होता ही होता है ना, लेकिन कानून को मानते किसने लोग हैं, तो ये पूरा असर कानून जवाबित तो नहीं चलेगा। हम कहते हुए कि इंडिया में कानून बनता ही है तोड़ने के लिए या फिर किसी भी जगह में,
जो कानून है, जो चीज़ें हैं, आप क्या देखते हो कि सारे कानून कोई फॉलो कर रहा है, नहीं करता है, या फिर कानून को छोड़ लो, इंसान मतलब अपने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है एज ए इंसानियत जो करना चाहिए। तो तीसरा क्या है, इक्तसादी तरक्की की तेज़ रफ्तारी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तेज़ रफ्तारी से समाजी बुराइयाँ क्या ख़त्म हो जाएगा, क्या जो समाज में बहुत बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस की जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़े कहते हैं, जो इकोनॉमिकली बिल्कुल फ्री है, क्या वो बुराइयाँ नहीं करते हैं? तो ऐसा भी नहीं होगा। असरी व हमागिर तालीम मतलब कंटेम्प्रेरी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। और तीसरा है कि मतलूबा समाजी तब्दीली, यानी कि डिज़ायर्ड जो समाज में जो सोशल जो चेंज होता है वो। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा असरी व हमागिर तालीम, जब तालीम ठीक होगी इंसान का तो इंसान का खुद का ज़मीर सही से गवारा करेगा और वो इंसान वो चीज़ें करेगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आया हो, और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछें। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।